Hey everyone, welcome to this educational channel Education Top 10. So friends, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है. एंड एक बात बताइए कि आप लोग कैसे हैं. आई होप सब लोग अच्छे होंगे, राइट? तो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा चैनल है एजुकेशन टॉप 10 के ही नाम पर बेसिकली, क्योंकि जो मेरा पहला चैनल था जिसके लिए मैंने कंटिन्यूसली 2 साल हार्ड वर्किंग करी, अब वो चैनल मेरा टर्मिनेट हो गया, किसी ने स्ट्राइक कर दी है. तो मैं उस चीज़ से बहुत दुखी हुई हूँ, सैड हूँ. तो आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. अब यहाँ पे आज आपको पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी, जो आपकी बायोलॉजी का बॉटनी का भी एक पार्ट रहा है स्टार्टिंग से, एंड आपकी 12th एंड 10th की बायोलॉजी का भी एक पार्ट है. माइक्रोबायोलॉजी को बेसिकली हिंदी में सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं. फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं. इसको इंग्लिश में माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. इसके अंतर्गत जो आने वाले टॉपिक हैं, जैसे आपका फंगी हो गया, सैवाल हो गया, एल्गी हो गया, वायरस बैक्टीरिया हो गए, ये सूक्ष्म जीव आता है, ठीक है? तो इसीलिए जैसे एक्टिनोमाइसिटीज हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बहुत सारे ऐसे जीव जिनका कृषि में, एग्रीकल्चर के फील्ड पे बहुत ज़्यादा योगदान रहा है. तो ये सारी जो सूक्ष्म जीव हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं. सूक्ष्म जीविकी की बात करें, माइक्रो यानी आपको पता है स्मॉल होता है, ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग जो जीव होता है उसको कहते हैं. यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का स्टडी किया जा सकता है. आप माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको ब्रीफ में स्टडी कर सकते हैं. ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं कि आसानी से इनको देखा ही नहीं जाता है, ठीक है? तो ये जीव क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म होते हैं, आसानी से आप आँखों से इन्हें देख नहीं सकते जब तक आप माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करते. तो एक चीज़ इनके बारे में इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है कि जो हॉलैंड के निवासी थे एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने अपने एक लेंस में, मतलब एक माइक्रोस्कोप लिया था, उससे बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ का स्टडी किया था. तो ये जो सूक्ष्म जीव है ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो भूमि हो, वायु हो, जल हो, कहीं भी ये हर जगह पाए जाते हैं, ओके? तो ये क्या करते हैं, नेचुरल जो प्रोसेस होती हैं उनमें स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेते हैं, जैसे फर्मेंटेशन, किण्वन, कार्बनिक पदार्थ का विघटन यानी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स जो होता है, वायुमंडल में जो नत्रजन भूमि होता है, फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारी जो बैक्टीरिया वायरस है, जैसे एल्गी हो गया, बैक्टीरिया, फंगी, निमेटेड, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. बात करते हैं फंगी की, कवक क्या होता है, इसको समझने की ट्राई करेंगे. फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं फंगी, मतलब जीवों के जो आधुनिक जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार जीव मंडल के जो सभी यूकेरियोटिक कोशिका वाले, क्या मतलब यूकेरियोटिक जो सेल होती हैं उसके कोशिका वाले एक कोशिकीय हरित लवक विहीन, मतलब कि क्लोरोफिल मतलब जो होता है उस नहीं होता है, विषम पोषी कोशिका युक्त लेकिन सुकाय शरीर वाले जीवों को पैरासाइटिक कहा गया है. क्या कहा गया है? पैरासाइटिक, जो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं. मृतोपजीवी भी होते हैं और बीजाणुओं के द्वारा जनन करते हैं. इनको कवक में रखा गया, किस में रखा गया? कवक में, क्योंकि ध्रुवीय जगत वर्गीकरण के अनुसार पादप जगत का ही एक भाग होता था, जो ध्रुवीय जगत वर्गीकरण प्रणाली थी, तो उसमें एक प्लांट का ही एक पार्ट होता था बेसिकली फंगी जो होता है. तो समान गुण वाले, कैसे कि मतलब इसमें जो समान फीचर्स वाले एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे प्रोटिस्ट जगत में रखा गया, ठीक है? इनको तो इनकी जो प्रजाति होती है, लगभग 1 लाख से अधिक प्रजातियां इनका पता लगाया जा चुका है. तो ये कवक क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन तत्व भी पाया जाता है. कुछ जो कवक होते हैं उनकी अल्प मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है. कवकों का शरीर होता है तंतुओं से बना होता है, इसीलिए कवक तंतु भी, माइसिलियम भी कहते हैं इनको, ठीक है? तो ये हो गए आपके कवक, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कुछ कवक का नाम, जैसे पेंसिलियम नोनेटम, पेंसिलिन, फिर हो गया पेंसिलियम प्यूरे, प्यूबेरुलम, ठीक है, स्ट्रिनम, क्लेविफॉर्मी, ट्राइकोडर्मा, ये सारे आपके फंगी के नाम होते हैं. ये कहीं भी हो जाते हैं, जैसे आपके सॉयल में हो गए, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो, जैसे रोडोटूला हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट फंगी है बेसिकली. तो अब बात करते हैं किसकी, आपकी सेकेंड पॉइंट पे, एल्गी एंड बैक्टीरिया की. फ्रेंड्स, बात
करें कि एल्गी की तो द्वि जगत प्रणाली में शैवाल और कवकों को एक समूह थैलोफाइटा में रखा जाता है। कौन सा वर्ग? थैलोफाइटा में रखा जाता है, क्योंकि दोनों का ही शरीर जो होता है जड़ और तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। एल्गी भी जड़ जो लीफ होती हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे पादप शरीर को जड़ और तना पत्तियों में विभेदित ना किया जा सके तो ये नहीं, ये थैलस कहलाते हैं। कैसे? थैलस लाइक स्ट्रक्चर, एल्गी की बॉडीज होती है थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो आधुनिक वर्गीकरण में कवकों को एक अलग स्पेसीज जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है, तो विभिन्न इनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अलग अलग टाइप में रखा गया है। और ये जो पांच जगत प्रणाली थी पादप जगत के अंतर्गत, आपने देखा होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सारी चीज़ें तो इसमें रखा गया था। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी दिए गए हैं जो एल्गी की एप्लीकेशन है। इसमें सवाल जो होते अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ पैदा करके मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स लेंदी नहीं करना है, एंड ये जो टॉपिक रहेगा आपके 12th बायोलॉजी का ही एक पार्ट है एंड 10th का भी है। बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया को कौन नहीं जानता, यानी जीवाणु जो होता है, हिंदी में जीवाणु कहते हैं हरित लवक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका, सबसे वाले जो सरल एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे होते हैं? सरल एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोशिका भित्ति होती है, कैसी होती है? सेल वॉल होती है, जो बैक्टीरिया होता है इसमें सेल वॉल होती है। ये स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं। ये पौधों के समान विटामिन जो होता है उसका सिंथेसिस करते हैं, घोल के रूप में जो भोजन है उसको भी ग्रहण करते हैं, और कुछ जीवाणुओं की प्रकृति तंतु के रूप में वृद्धि करने पर होती है। स्वयं पोषी जो जीवाणु होते हैं उसमें अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उसकी सहायता से कार्बनिक पदार्थ बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, तो अकार्बनिक नाइट्रोजन से सभी प्रकार के अमीनो अम्ल संश्लेषित करने की क्षमता होती है जीवाणुओं में। इसका आर्थिक महत्व की बात करें, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की बात करें, बायो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी होता है, कृषि में भूमि की उर्वरता बढ़ाए रखने के लिए, एंटोके फिक्सेशन के लिए भी, जैसा तो क्लास्ट्रीडियम होता है, एजोटोबैक्टर हो गया, लेग्यूमिनेसी कुल के जो दाले होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, एंटू को फिक्स करने के लिए, ठीक है, ताकि जो भूमि होती है उसकी उर्वर शक्ति, फर्टिलाइजेशन पावर बढ़ी रहे। नाइट्रोजन जीवाणु के रूप में डेयरी इंडस्ट्री में भी आपके जो बैक्टीरिया होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। बेसिकली जैसे दूध में लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है और दूध के जो जीवाणु होते हैं लैक्टोज बैसिलस, लैक्टोज सकरा या लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, इससे मक्खन प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं। ठीक है, जैसे वेनेगर इंडस्ट्री में, यानी सिरका जिसका आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है बेसिकली, तो सिरके के घोल के रूप में किया जाता है। रेसे की जो रेटिंग ऑफ फाइबर से रेसे की रेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा, यानी पौधों के तनों से रेसों को अलग करने के लिए रेटिंग कहते हैं, मतलब जब पौधे के तनों को रेसों से अलग करते हैं तो उसे रेटिंग कहते हैं। जैसे जूट हो गया, पटसन हो गया, आपका सन हो गया, रेसे हो गया बहुत सारे, तो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीरियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हानिकारक भी होते हैं, हार्मफुल होते हैं और लाभदायक भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आपने वायरस, बैक्टीरिया एंड एल्गी पढ़ा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इस लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।